गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंबाइंड। ये हमने अर्थमेटिक मीन तक तो देख लिया कि अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे हैं। अब मैंने क्या कहा कि तुम्हें दो तीन क्लासेस का, मैंने क्या कहा कि तीन क्लासेस हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। अब उन तीनों के तुम्हें मैंने दे दिया कि एक क्लास में गर्ल्स की हाइट है 4.5 फुट, एवरेज हाइट मतलब मीन निकाल के दे दिया एक पूरी क्लास का, तीनों का दे दिया। एक का 4 फिट, मैंने कहा एक का 4.5 फिट है, दूसरे का 4.9 है और तीसरे का 5 है। तो अब इन तीनों का कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा कि तीनों ग्रुप्स को हम इकट्ठा उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज किया मैंने कि इन दो का कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इसमें जितनी गर्ल्स थी इसमें सपोज करो 20 थी, इसमें 25 थी, जितनी गर्ल्स है 20 इंटू में उसका मीन प्लस जितनी इधर थी 25 इंटू में उसका मीन बाय में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स N1 प्लस N2 मतलब 45 आ जाएगा इधर। तो वही फॉर्मूला बता रहा है N1 X1 बार की पूरी क्लास, एक फर्स्ट क्लास का जो अर्थमेटिक मीन आया और उसमें जितने गर्ल्स हैं, और ऐसे ही सेकेंड में जितनी गर्ल्स हैं और उनका अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाय उन दोनों की टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर तीन का आ जाए, अगर ये बोल रहे देखो दो का निकाल रहा है तो 1 और 2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे किसे डिनोट करें 1 और 2 से। जब 3 का निकालने को कह दे 1, 2, 3 का, तो N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार प्लस N3 X3 बार डिवाइड में N1 प्लस N2 प्लस N3। अभी मैं कह रही हूँ इन तीनों का निकालना है तुम्हें, ठीक है, तीनों का निकालना है। यहाँ पे 2 का तो लिख ही दिया था, तीसरे का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जितनी गर्ल्स है 22 इंटू में उनकी हाइट 5.0 डिवाइड में प्लस और हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 22 और हो जाएगा। तो तुम्हारा ये तीनों का कंबाइंड अर्थमेटिक, 4 का दे दे तो 4 का निकाल लेना, सबका चारों को ऊपर एडिशन नीचे चारों की टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये तुम्हारा था कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अब जैसे क्वेश्चन देखो, द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 61 सेंटीमीटर की हाइट दे रखी है, मीन हाइट मेल वर्कर्स की कितने मेल है 25, तो N1 की वैल्यू मिल गई और उनकी मीन बोल दिया, मीन मतलब अर्थमेटिक मीन, तो उनका X1 बार दे रखा है 61। ऐसे ही द मीन हाइट ऑफ 35 फीमेल वर्कर्स, तो N2 होगा 35 और उनकी मीन हाइट दे रखी है 58। कंबाइन द मीन हाइट ऑफ 60 वर्कर्स, वैसे भी तुम कैलकुलेट करोगे मेल कितने हैं, लिख लो कि N1 दे रखा है 25, N2 फीमेल्स के लिए दे रखा है वो कितने दे रखे है 35। इसमें X1 बार की वैल्यू दे रखी है X2 बार की, X1 बार कितना दे रखा है, एक की 61 है और दूसरे की 58 है, दोनों को कंबाइंड मीन लिखना है। तो कंबाइंड मीन का डिनोट ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मीन तो निकालना ही है, और X1 2 बार फिर क्या आएगा N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार बाय में N1 प्लस N2। N1 X1 बार कितना होगा 25 इंटू में 61, 35 इंटू में 58 डिवाइड में टोटल दोनों का, दोनों का टोटल वैसे भी 60 और क्वेश्चन में भी दे रखा है टोटल 60 है, इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा टोटल मीन कंबाइंड मीन। देखो ये निकाल रखा, निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री रनिंग 2 शिफ्ट्स ऑफ 60 एंड 40 वर्कर्स रिस्पेक्टिवली इज 38। उसने क्या बोला है कि जो मीन वेज है, 100 वर्कर्स है टोटल दे रखा है, 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, एक शिफ्ट में 60-40 का चल रहा है, और उनका जो मीन वेज अब की बार बोला है 38 मीन दे रखा है 100 वर्कर्स का, कंबाइंड मीन दे रखा, मतलब तुम्हें समझ रहे हो क्वेश्चन कि इसमें 100 वर्कर्स है तो मतलब N1 प्लस N2 दे दो कि वो 100 है, रनिंग 2 शिफ्ट्स ऑफ 60 एंड 40 वर्कर्स, तो N1 की वैल्यू तो ये हो गई 60, N2 की हो गई 40 रिस्पेक्टिवली, उनका मीन वेट X12 बार। अब की बार हमने देखो इस क्वेश्चन में क्या निकाला था, X12 बार निकाला था, अब की बार क्वेश्चन में गिवन है X12 बार, वो कितना गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में देखो 38 गिवन है, तो ये 38 हो जाएगा प्लस N1 की वैल्यू भी दे रखी है, N2 की भी, तो इन दोनों का सम दोनों को कर ही लोगे, N1 प्लस N2 100 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। X1 बार और X2 बार में से देखो एक चीज गिवन होगी दूसरी निकालनी होगी, द मीन वेज ऑफ 60, तो पहले वाले का X1 बार वो कितना दे रखा है 40, तो तुम्हें X1 बार भी दे रखा है, देखो ये 60 N1 इनका मीन वेज दे दिया 40, नेक्स्ट वाले भी 40 वर्कर्स हैं, ये नहीं पता तुम्हें, नीचे टोटल 100 है। देखो सारी क्वांटिटीज में से तुम्हें एक क्वांटिटी नहीं पता होगी उसकी वैल्यू निकाल लो,
वही कर रखा है। इसने क्या बोला, फाइंड द मीन वेज ऑफ 40 वर्कर्स। तो वही है कि जब तुम्हारे फॉर्मूले में कितनी अननोन चीजें हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, पांच में से कोई चार गिवन होगी और एक तुम्हें निकालनी होगी। तो तुम फॉर्मूला याद होगा जिसको, वो सारी चीज वैल्यू पुट करो, एक रह जाएगा उसकी वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिपिकल एग्जाम्पल्स, वैसे बोल देते हैं टिपिकल एग्जाम्पल, आसान क्वेश्चन होते हैं। द मीन मंथली सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज इन अ सर्टेन कंपनी वॉज 600। इसने क्या बोला है कि पूरी मंथ मीन दे रखा है क्वेश्चन में, मीन क्वेश्चन में बोल दिया, एक कंपनी के अंदर जितनी सैलरी दी जाती है एम्प्लॉयज को उसका मीन दे रखा है 600। द मीन मंथली सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल वर, मेल की तो मीन सैलरी 620 है और ये कितनी है 520। तो तुम्हें देखो क्या बोला है, मीन पेड टू मंथली सैलरी, तो X12 बार तुम्हें दे रखा है 600, X1 बार दे रखा है 620 और X2 बार दे रखा है तुम्हें 520। मेल का 620 मीन दे रखा है, फीमेल का ये, और कंबाइंड का 600। पूरी सैलरी बोला ना, सारे एम्प्लॉयज का मतलब कंबाइंड है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन द, मतलब तुम्हें दोनों ही नहीं पता, क्या नहीं पता, ना N1 पता ना N2 पता, तो उनका रेशियो निकाल लो एक तरह से, ये दोनों चीज निकालने ना, तो फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या रहेगा तुम्हारा, X12 बार इज इक्वल टू X1 बार इंटू में N1 प्लस X2 बार इंटू में N2 बाय N1 प्लस N2। X12 बार कितना दे रखा है इन्होंने, 600, ये 600 दे रखा है, ये 620 दे रखा है, एक में 520, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया और N1 प्लस N2। ठीक है, यहां तक आ गए। अब इनको सॉल्व कर लो, 600 N1 प्लस 600 N2, इसको उधर ले जाएंगे तो 620 N1 प्लस 520 N2, एक साइड N1 कर लो एक साइड N2, माइनस 20 N1 माइनस 80 N2, माइनस से माइनस कैंसिल, N1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ N2। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसने लिखा है N1 जो है वो 4 टाइम्स है किसका, N2 का, या रेशियो बोल लो N1 बाय N2 क्या हो गया, 4:1, तो एक का 25% होगा, एक का 75%। 100 को रेशियो में कन्वर्ट करोगे, देखो बुक में, देखो बुक में भी सेम पैटर्न कर रखा है, N2 तक यहां तक आ गए, उसके आगे यहां तक आगे कि तुम्हारा रेशियो आ रहा है 4:1, ये मैंने तुम्हें बताई दिया। हेंस द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज, वैसे भी तुम्हें याद होगा रेशियो को परसेंटेज में चेंज करते तो क्या लिखते हैं, जिसका है N1 का निकाल रहा है 4, दोनों का एडिशन 4+1 5 इंटू में 100, 80% आ जाएगा। मैं तुम्हें 25 और 80 वो कह रही थी ना, नहीं वो नहीं होगा क्योंकि रेशियो अलग हो गया ना, तुम्हें पांच हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 4 पीसेस मतलब एक लाइन में से 4 पीसेस किसके पास चले गए, N1 के, तो इसे निकाला था परसेंटेज। N1 कौन था, मेल फीमेल्स, N2 क्या था, फीमेल, N1 क्या था, मेल एम्प्लॉयज। रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जितना भी रेशियो है नीचे उन दोनों दूसरे ऊपर नीचे वाले का एडिशन इनटू में 100, वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। सपोज करो मैंने तुम्हें दे दिया 2:3, 2:3 रेशियो दे दिया, तो इसको N1 अपॉन में N2, तो N1 का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, N1 के सामने क्या है, 2 अपॉन में दोनों का एडिशन 5 इंटू में 100, तो तुम्हें ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, कितना आ गया, तो 40% N1 का हो जाएगा, तो बाकी का 60% N2 का हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला था, एक इन्होंने दूसरा वे भी बता रखा है, तुम्हारी मर्जी है, मुझे वो बेटर लगा, यही कर लेना। नेक्स्ट अब दोबारा दूसरा क्वेश्चन है, अ बुक सेलर हैज 150 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, द एवरेज प्राइस ऑफ दिस बुक इज, एवरेज इसने बोला एक बुक सेलर है उसके पास 150 है टोटल, N1 प्लस N2, इकोनॉमिक्स एक को N1 मान लो और एक को N2 मान लो, दोनों का एडिशन 150 गिवन है, एवरेज प्राइस, और दोनों दीज बुक्स बोला ना, तो पूरी बुक का 40 है, एवरेज प्राइस ऑफ बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स X1 बार 43 है और उसका X2 बार 35 है, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ, अब तुम्हें बस N1 और N2 की वैल्यू बतानी है, क्या है N1 और N2 का सम पता तुम्हें, तो तुम्हें सारी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। ये तुम क्वेश्चन तुम पे छोड़ रहे, तुमसे हो जाएगा, ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तुम्हें फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करने हैं एज एन असाइनमेंट, तुम्हारे हो जाएंगे, ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, और जिसकी कोई प्रॉब्लम होती है वो ग्रुप्स पे पूछ सकता है, तुम क्वेश्चंस भी नहीं पूछते हो, पता नहीं तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में इसमें क्या आ गया, करेक्टिंग द इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ मीन, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा था तुम अपनी क्लास में जाओ
और क्लास में जिस जिसकी जो हाइट है वो निकाल के और उनका मीन निकाल दो। बाय चांस तुमने किसी एक बच्चे की हाइट गलत ले ली तो तुम्हारा मीन भी गलत आ जाएगा। तो इसमें यही होगा कि तुम्हें कोई एक क्वांटिटी गलत दे रखी होगी, पहले उसको इनकरेक्ट को करेक्ट करके फिर करेक्ट मीन निकालना है, इनकरेक्ट मीन में से माइनस जो भी करोगे। तो वही क्वेश्चंस हैं कि बाय मिस्टेक तुम एक आइटम गलत ले लेते हो तो अर्थमेटिक मीन भी गलत आता, तुम्हें करेक्ट मीन निकालना क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, द मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 80। तुम्हें बोल दिया टोटल आइटम्स कितनी है तुम्हारी 100। बाय मिस्टेक वन आइटम इज मिसरीड एज 92 इंस्टेड ऑफ, आइटम का कितनी थी एक आइटम 20, 100 आइटम्स थी ना, उन सब का मीन 80 आ रहा है, 29 की जगह तुमने 92 ले लिया था। अब वो बताओ मीन भी गलत हो गया उसकी वजह से, तो तुम्हें करेक्ट मीन बताना है। ठीक है, तो करेक्ट मीन के लिए देखो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे मीन का, x1 बार इज इक्वल टू समेशन x बाय n नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसमें क्या किया हम पहले क्या निकालते हैं, कितनी आइटम्स है, n की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 100 आइटम्स, आइटम्स तो ठीक है n तो ठीक है। ठीक है, अब x बार कितना निकाला इन्होंने 80 समेशन x, तो समेशन x की वैल्यू निकाल लो 80 इंटू में 100 समेशन x, ये कौन सा आएगा इनकरेक्टेड। इनकरेक्टेड का क्यों, क्योंकि ये तो हमारा मीन ठीक है ही नहीं जो हमने मीन लिया है, तो ये इनकरेक्टेड समेशन एक्स आ गया, कितना आ गया 8000। समेशन एक्स का मतलब क्या होता है, 10 आइटम्स थी, समेशन एक्स का मतलब क्या होता है x1 प्लस x2 जितनी भी आइटम थी, 100 तक आइटम दे रखे है ना, x100 तक की सारी आइटम्स का सम है ये, कितना आया वो 8000। अब इसमें एक ऐसी कोई क्वांटिटी थी, सपोज कर लो वो सेकेंड क्वांटिटी थी, कोई भी हो सकती है, सेकेंड क्वांटिटी थी जिसको तुमने 92 ले लिया जबकि तुम्हें क्या लेना था 29, तो हम क्या कर देंगे उस क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, वो क्वांटिटी कितनी ली थी तुमने 92, वो गलत ली थी ना समेशन का मतलब सब में ऐड करा तुमने 92, तो तुम्हें वो माइनस करना पड़ेगा और करेक्ट वाली ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या था समेशन एक्स में से मैंने गलत वाली तो माइनस कर दी और सही वाली ऐड कर दी, तो इससे क्या आएगा अब तुम्हारा ये करेक्ट तुम्हारा समेशन आएगा, तो हम क्या लिखेंगे ये करेक्टेड समेशन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, करेक्टेड समेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा 12 में से 9 गए 3, 8 में से 2 गए 6, 63 नहीं देखते देख के ऐड करके देख लेना 8000, तो करेक्टेड अब ये जाएगा 8063 करेक्टेड समेशन एक्स आएगा तुम्हारा, दोबारा देख लेना कैलकुलेशन को एक बारी पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो करेक्टेड, एक मिनट मुझे यही लग रहा गड़बड़, देखो मैंने क्या इधर से दोबारा देखो हमारी समेशन इनकरेक्ट समेशन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8000, उसमें से 90 ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहां से एक बार दोबारा देखो यहां तक आ गए थे 8000 समेशन एक्स आ गया था। देखो वैसे भी क्यों गलत लग रहा था मुझे, क्योंकि हमारी हमने तो ज्यादा लिया था 92 लिया था जबकि 29 लेना था, तो तुम्हारी वैल्यू कम होनी चाहिए ना इसकी समेशन की, मेरी एक्स्ट्रा आ रही थी इसलिए मुझे लगा कुछ गलती है। देखो इनकरेक्टेड समेशन एक्स क्या था 8000। ठीक है, अब तुमने करेक्टेड समेशन एक्स निकालना है, करेक्टेड समेशन एक्स के लिए क्या करोगे 8000 में से जो तुमने क्वांटिटी गलत ली थी वो माइनस कर दोगे और जो सही थी वो ऐड कर दोगे, तो 8000 माइनस 63 आ जाएगा और इसको सॉल्व करोगे 7937 आ जाएगा, ये सीधा डायरेक्टली लिख दिया मैंने करेक्टेड समेशन एक्स आ गया। तो अब क्या निकालना है करेक्टेड मीन निकालना है, करेक्टेड मीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है करेक्ट समेशन एक्स बाय एन, एन तो 100 ही अभी भी क्योंकि आइटम थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड की थी, आइटम तो 100 ही थी, ये करेक्ट समेशन एक्स आ गया वो कितना आ गया 7937, उसको सॉल्व करो 79.37 इज योर करेक्टेड मीन। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा करेक्ट मीन निकालने का। ऐसे एक क्वेश्चन और दे रखा है इन्होंने, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। ठीक है, तुम्हें दे रखे 5 ऑब्जर्वेशन है, एन की वैल्यू कितनी थी 5 और उनका मीन दे रखा है तुम्हें 7। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 4 एंड 8 वर रॉन्गली टेकन इंस्टेड ऑफ 5 एंड 9। हमने क्या लिया 4 और 8 ले लिया 5 और 9 की जगह, तो दो ऑब्जर्वेशन वहां पे एक ऑब्जर्वेशन गलत थी, यहां पे दो ऑब्जर्वेशन गलत हो गई। सेम वही क्वेश्चन रहेगा, पहले हम समेशन एक्स निकालेंगे, समेशन एक्स अपॉन में एन,
एक्स बी की वैल्यू 7, ये जो आएगा तुम्हारा ये क्या आएगा इनकरेक्टेड, एन क्या है हमारा 5, तो समेशन एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी 35, ये इनकरेक्टेड आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, करेक्टेड समेशन एक्स, उसमें क्या करना है जो क्वांटिटी तुमने गलत लिया है, कौन कौन से लिया है? लिखा है ना हमने 4 और 8 ले लिया, वर्ड रॉन्गली टेकन इंस्टेड ऑफ 5 और 9, तो जो गलत लिया है उनको माइनस करना है, तो माइनस 4 माइनस 8 और 9 और 5 लेना था जबकि 4 और 8 ले लिया, तो उन दोनों को माइनस कर दिया और जो सही थे उनको एड अप कर लिया, 35 माइनस 12 प्लस 9 और 5 14, 35 प्लस 2 37 आ गए तुम्हारा करेक्टेड समेशन एक्स। बस अब क्या करना है, करेक्टेड समेशन एक्स आ गया तो करेक्ट मीन आ जाएगा, करेक्ट मीन क्या है समेशन एक्स करेक्ट वाला, इधर ब्रैकेट नीचे भी लिख सकते हो, बाय में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, करेक्ट मीन ये 37 आ गया और टोटल क्वांटिटीज थी।